हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7C का है। यह है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। क्वेश्चन है ICSE मैथ की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो लिखा गया है ड्यूरिंग 2003 द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 25%, बट ड्यूरिंग 2004 इट इंक्रीज बाई 40%। ऑफ वाट इज वाट एट द बिगिनिंग ऑफ 2004, कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। रिजल्टिंग चेंज निकालना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में आएगा, इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज टू ईयर। मतलब ये कि 2003 और 2004 के बीच में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, वो कितना हुआ है वो हमें परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो इसमें तो हमें टोटल प्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि टोटल प्रोडक्शन 100 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 100 मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। और 2003 में जो है प्रोडक्शन जो है डिक्रीज, मतलब घटकर 25% घट जाता है। 2003 में वही प्रोडक्शन 25% घट जाता है। ठीक है, 25% डिक्रीजिंग इन प्रोडक्शन। इन 2003, 2003 में प्रोडक्शन घट जाता है तो कितना हो जाता है ये देखेंगे। 25% घटता है तो 100 में का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। ठीक है, तो अगर जिसको निकालना है तो 25% निकालना है तो पहले लाइन खींचेंगे, 25% निकालना है तो यहाँ 25 लिखेंगे, किसका निकालना है 100 का, 100 यहाँ लिख देंगे। यहाँ जो बचा होता है परसेंटेज निकालते हैं तो 100 लिखते ही है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 100 का 25% 25 ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 75 बचेगा। ठीक है, 100% प्रोडक्शन था 2003 में जो है, प्रोडक्शन 25% घट जाता है तो 100 में से 25% अगर घटता है, 100 का 25% 25 ही होता है, तो 25% घटता है तो क्या बचता है, 75 हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, बट ड्यूरिंग 2004 इट इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक है, लेकिन 2004 में ये प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले घटता है तो 75 हो जाता है, फिर इसी में जो है वो जो है इंक्रीज होगा कितना परसेंट, 40%। ठीक है, 40% इंक्रीज यहां लिखेंगे, 40% इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2004। ठीक है, तो 75 का कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है, तो 40% निकालना है तो वैसे 40 को यहाँ लिखेंगे, 75 का 40% निकालना है, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे कट जाएगा, और 2 × 4 5 × 10 यह 15 × 75। ठीक है, तो यहाँ 15 यहाँ, 2 यहाँ है, 15 × 30। ठीक है, तो क्या हो गया, तो 40% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाए, नया रिजल्ट क्या होगा, 75 में जो है 40% इंक्रीज होने का मतलब 30 इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, पहले 100 था फिर 105 हो गया, तो 100 और 105 में होने, 100 में से
और ये वाला नया वाला 105 आया, 105 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5% इंक्रीज हम लिख देंगे, ठीक है, 5% इंक्रीज हम लिख देंगे। तो ये है इसका आंसर। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।